हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन स्टडी, ग्रैब द नॉलेज। 29 नवंबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हम आ गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चार से सात दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेज़बानी करेगा? चार ऑप्शन है हमारे पास, हैदराबाद तेलंगाना, गांधीनगर गुजरात, उदयपुर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश। गाइज, एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें कोशिश करनी है कि हम उसका जवाब 5 सेकंड के अंदर अंदर दे पाएँ। इसी तरीके से हमारी स्पीड बढ़ेगी आंसर देने की। तो गाइज, 4 से 7 नवंबर 2022 तक उदयपुर राजस्थान पहली G20 शेरपा की बैठक की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 71वीं, 72वीं, 73वीं या फिर 74वीं? गाइज, ये क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो 27 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की 74वीं वर्षगांठ मनाई गई है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर या फिर 27 नवंबर? तो गाइस, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 26 नवंबर 2022 को कहाँ पर सर्वे वेसल्स परियोजना का जहाज़ इक्षक लॉन्च किया गया? चेन्नई, मुंबई, कोची या फिर कोलकाता? तो 26 नवंबर 2022 को सर्वे वेसल्स परियोजना का जहाज़ इक्षक चेन्नई में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 26 नवंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने किस देश में नैनो सैटेलाइट 2 INS-2B को PSLV-C54 रॉकेट से लॉन्च किया? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या फिर श्रीलंका? तो भाई, इसका जवाब है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात या फिर राजस्थान? तो 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22 राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ करेंगी? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो 29 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा में इसका शुभारंभ करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नवंबर 2022 को विक्रम गोखले का निधन हो गया, वे क्या थे? डॉक्टर, अभिनेता, खिलाड़ी या इनमें से कोई नहीं? गाइज, फेमस हस्तियों की का निधन, उनका जन्म दिवस ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो ये भी उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस हैं। 26 नवंबर 2022 को विक्रम गोखले का निधन हुआ, वो एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर। तो हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट 2022 में आईआईटी दिल्ली संस्थान टॉप पर रहा है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 26 नवंबर 2022 को किसने जस्ट इज मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जगदीप धनखड़। तो गाइस 26 नवंबर 2022 को जस्ट इज मोबाइल ऐप 2.0 का नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। यह जस्टिस की अकाउंटेबिलिटी को शो करता है। कल इसी टाइम पे हम अपने करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मोर एजुकेशन स्टडी चैनल।